भाई लोग, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। दोस्तों एक बहुत बुरी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ा लोचा हो चुका है देवरा मूवी के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई देवरा मूवी को हिंदी ऑडियंस ज़्यादा भाव नहीं दे रही दोस्तों, क्योंकि भाई जो ये मूवी एक तेलुगु मूवी है, एक पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ कर जा रही है, हिंदी तमिल तेलुगु में अलग अलग भाषाओं में रिलीज़ कर जा रही है, लेकिन भाई साहब तेलुगु मूवी में एक अच्छा प्रदर्शन मूवी करेगी। इसकी जो एडवांस बुकिंग है भाई, सारे थिएटर दोस्तों तकरीबन 70% भाई फुल है, लेकिन भाई हिंदी ऑडियंस में मैंने देखा कि भाई चलो बुक माई शो पर चलते हैं, इसके थिएटर चेक करते हैं भाई, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर हिंदी थिएटर है दोस्तों। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि भाई 1% लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये हिंदी ऑडियंस में ज़्यादा खास कमाल नहीं कर पाएगी। चलिए दोस्तों मैं आपको बुक माई शो दिखाता हूँ कितने टिकट कहाँ कहाँ पर सोल्ड आउट है, बाकी चेन्नई हिंदी दोस्तों बम्बई में दिखाऊँगा कि भाई कहाँ कहाँ पर कितने टिकट खाली हैं दोस्तों, कितनी सीटें खाली हैं। चलिए दोस्तों अपनी स्क्रीन पर चलते हैं, इससे पहले वीडियो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, नया चैनल सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ दोस्तों, ऊपर देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर दिल्ली NCR पर दोस्तों सेलेक्ट है, फिर मैं आपको चेन्नई बम्बई का भी दिखाऊंगा दोस्तों। चलिए वीडियो को दोस्तों लाइक कर देगा वीडियो पर है दोस्तों। यहाँ पर इसका जो इंटरेस्ट हो चुका है तकरीबन 8,34,000 हो चुका, जो कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद करा है। बाकी इसकी जो टिकट जो सेलिंग हो रही है यानी कि दोस्तों बुकिंग हो रही है तकरीबन 9,000 के करीब पर हाउर्स हो रही है दोस्तों। बात करते हैं भाई इसकी दोस्तों यहाँ पर हिंदी 2D की बात करें, क्योंकि दोस्तों ये सिनेमा छोटा है थोड़ा, क्योंकि भाई यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग भी दोस्तों जल्दी से बुक कर लेते हैं, क्योंकि भाई जो ऊपर की जो IMAX हो गया, 3D हो गया, 4D हो गया, वहाँ पर थोड़ा टिकट हाई लेवल होता है, वहाँ पर जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वहाँ पर मूवी कम देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो मूवी देखते हैं दोस्तों वो 2D देखते हैं दोस्तों। ये दिल्ली का डिलाइट सिनेमा है दोस्तों, ये सिर्फ इसके अंदर एक ही शो लगा हुआ है, जो कि भाई भाई इसके दे सकते हैं कि भाई ये खुल नहीं रहा है दोस्तों, जो कि आप दे सकते हैं कि भाई ये सिर्फ एक ही शो लगा हुआ है जहाँ पर भाई थोड़ा बहुत फुल है, यानी कि आधा सिनेमा फुल है दोस्तों। ये दिल्ली का दोस्तों दिल्ली, ये देख सकते हैं भाई, ये साकेत एवेन्यू साकेत दोस्तों, सारे के सारे खाली पड़े हैं दोस्तों। एक गैलेक्सी ब्लू, ये थोड़ा भाई 6:30 बजे का फुल है, यानी कि भाई दिल्ली के अंदर यानी कि हिंदी ऑडियंस में ज़्यादा दोस्तों जब देख सकते हैं भाई, सारा ग्रीन ग्रीन पड़ा, जो कि भाई ये पटेल नगर है सुबह का 9 बजे का शो दोस्तों आधा फुल है, यानी कि शाम का 7:45 बजे का शो आधा फुल है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि भाई काफ़ी तगड़ा है दोस्तों। जो कि भाई उर्बना जो कि प्रीमियम सेक्टर 67 जो कि भाई गुड़गांव में है, जो कि भाई इसके कई सारे शो लगे हुए, जो कि सुबह का 9 बजे का शो दोस्तों फुल आधा भरा हुआ, बाकी शाम का 7:30 और 11:30 बजे का फुल है, यानी कि भाई तकरीबन 1% ही यहाँ पर टिकट सोल्ड आउट, यानी कि भाई अभी ऑरेंज कलर का हो रहा है, यानी कि भगवा कलर का हो रहा है यहाँ पर देखा जाए तो भाई साहब, जब रेड कलर का हो जाएगा समझ लो भाई वहाँ पर सीट नहीं है, यानी कि भाई अभी आपको देवरा मूवी की सीट मिल जाएगी। आप 28 सितंबर को देख सकते हैं भाई, यहाँ पर तो दिल्ली का डिलाइट सिनेमा भी भाई यहाँ पर खाली पड़ा है दोस्तों। मैं आपको फिर बम्बई का दिखाता हूँ, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा दोस्तों भाई एक जहाँ पर दोस्तों ऑल ओवर बम्बई के अंदर, तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर देवरा मूवी पर चलते हैं, जो कि भाई टिकट भाई दिल्ली में भी हिंदी 2D में तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि भाई बम्बई के अंदर दोस्तों मुझे, मैं दिल्ली में रहता हूँ क्योंकि भाई मुझे वहाँ का दोस्तों एरिया नहीं पता। आप ध्यान से देख सकते हैं कि भाई ये सारे बम्बई के नवी बम्बई है कोई, फिर भाई दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई सारे ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं, यानी कि भाई दिल्ली में यानी कि हिंदी ऑडियंस देवरा मूवी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं भाई सारे ग्रीन ग्रीन है भाई, मतलब बम्बई के अंदर कितने सारे शो लगे हुए हैं, जो कि भाई बम्बई एक महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है दोस्तों, कई सारे राज्य उससे कनेक्ट होते हैं, जो कि भाई देख सकते हैं कि भाई सारे ऑरेंज हो रहे हैं, कुछ ऑरेंज हो रहे हैं लेकिन भाई जो रेड हो रहे हैं यानी कि भाई फुल, जैसे कि आपने जवान टंकी और उसमें देखा था पठान में भाई सारे फुल थे, सीट मिलना नामुमकिन के बराबर था, क्योंकि दोस्तों ऐसा देखने को नहीं मिल रहा दोस्तों। कहने का मतलब है कि मैंने आपको बड़े बड़े शहर दिखा दिए कि भाई दोस्तों यही इंपॉर्टेंट शहर होते हैं इंडिया के, जो कि भाई जहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवी देखी जाती है। अब मैं दिखाता हूँ आपको चेन्नई में दोस्तों, चेन्नई में चलते हैं, और चेन्नई में जाने के बाद दोस्तों चलिए चलते हैं भाई तेंगलू 2D में, जहाँ की फिल्म है, क्योंकि भाई ये तेंगलू मोए दोस्तों भाई सब ये मूवी बनी है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि भाई जो चेन्नई की साइड तेंगलू है दोस्तों, वहाँ पर क्या हाल चल रहा है दोस्तों भाई, वहाँ पर कोई नव लूल है, जो कि भाई मैं वहाँ जाता नहीं, मुझे नहीं पता वहाँ के कौन कौन से एरिए हैं, जो कि भाई सुबह के ना शाम के दोपहर के भाई शाम के 3:40 के भाई शो सारे भाई हाउसफुल है, यानी कि भाई पूरे भाई ख़त्म हो चुका है, मतलब
यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये सिनेमा घर में तो भाई पूरा भाई पूरा थिएटर ही भाई बिक गया, जो कि भाई साउथ की साइड इसका जो तेलुगु की साइड भाई सारा जो कि है काफ़ी अच्छा क्रेज़ देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये है मायाजाल जो कि भाई चेन्नई के अंदर है दोस्तों, कोई मॉल है या सिनेमा घर है मुझे नहीं पता, लेकिन भाई इसके जो सुबह नौ बजे के भाई तीन तीन शो लगे हुए, चार चार शो लगे हुए, पाँच पाँच शो लगे हुए दोस्तों, यानी कि भाई बहुत बड़ा थिएटर लग रहा है। बाकी ये दोस्तों ये जो ऑरेंज कलर के भगवा कलर के हो रहे हैं ये भी धीरे धीरे दोस्तों ब्लैक करके हो जाएगा, यानी कि भाई इसका जो क्रेज़ देखने को मिल रहा है तेलुगु यानी कि चेन्नई की साइड काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है दोस्तों। हिंदी ऑडियंस ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई हिंदी ऑडियंस इसे सपोर्ट करेगी जब इसके मूवी रिव्यू अच्छे हैं, क्योंकि भाई इसके अंदर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान भी है। बाकी आप देख सकते हैं कि भाई कितना तगड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। बाकी आप कोलकाता के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि कोलकाता के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर भाई थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आती है। बाकी देखते हैं भाई कोलकाता के अंदर क्या हाल चल रहे हैं, कोलकाता के अंदर भाई 10,000 जो टिकट चल रहे हैं जो कि भाई पर हाउस चल रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर चलते हैं टिकट कोलकाता में हिंदी में देखते हैं। तो गाइस कोलकाता में तो भाई एक भी भगवा कलर का आपको दिख नहीं रहा भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी तगड़ा दोस्तों शर्मनाक ये हाथ से है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो थिएटर है भाई ये बंद हो चुका है, मतलब ये इस पर शो ही नहीं लग रहे। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पर एक भी ऑरेंज कलर का, यानी कि भाई जो हिंदी ऑडियंस है जहाँ पर हिंदी लोग रहते हैं, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, जो हिंदी लोग बोलते हैं वहाँ पर दोस्तों इस मूवी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करा जा रहा। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं देवरा मूवी के बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों भाई हिंदी में ना चले तो भाई तेलुगु में तो भाई ये ब्लॉकबस्टर होगी, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। कुछ देर बाद इसका रिव्यू आएगा, इसका रिव्यू करेंगे। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ऐसी अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।